दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के अदर वीडियोस को भी आप चेक कीजिए। आज मैं आपको एक ऐसे बुक की समरी बोलने वाला हूँ जिसको इंट्रोडक्शन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और जिसकी ऑलरेडी 25 मिलियन कॉपी सोल्ड हो चुकी है। सेल्फ हेल्प कैटेगरी में इस बुक की जगह एक लीजेंड की तरह है। मैं बात कर रहा हूँ स्टीवन आर कोवे की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको 3 हैबिट्स के बारे में बोलूंगा और इसका जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें मैं आपको 4 हैबिट्स के बारे में बोलूंगा। तो गाइज बने रहिए ये वीडियो में मेरे साथ आखिरी तक, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। द फर्स्ट एंड द मोस्ट बेसिक हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल इज प्रोएक्टिविटी। ऑथर कहते हैं वर्ल्ड में दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो होते हैं प्रोएक्टिव और दूसरे होते हैं रिएक्टिव। प्रोएक्टिविटी मीन्स टेकिंग एन इनिशिएटिव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द थिंग्स हैपन। प्रोएक्टिव लोग हमेशा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिकग्नाइज करते हैं और इनिशिएटिव लेके एक्शन लेते हैं, लेकिन जो रिएक्टिव लोग होते हैं वो हमेशा अपने खराब कंडीशन के लिए सिचुएशंस और सरकमस्टेंसेस को ब्लेम करते हैं। रिएक्टिव लोग जो होते हैं उनके ऊपर हमेशा आसपास के एनवायरमेंट का, फिजिकल एनवायरमेंट का फर्क पड़ता है। like, अभी अगर वेदर अच्छा है तो उनको अच्छा लगेगा, अगर अभी वेदर खराब है तो फिर उनके परफॉर्मेंस और एटीट्यूड पे उसका फर्क पड़ेगा। प्रोएक्टिव लोग जो होते हैं वो वेदर जेब में लेके घूमते हैं, चाहे रेन्स हो या सनशाइन हो, उसका उनके एटीट्यूड और परफॉर्मेंस पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ता। रिएक्टिव लोग जो होते हैं उनके ऊपर सोशल एनवायरमेंट या फिर सोशल वेदर का भी इफेक्ट पड़ता है। अगर लोग उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं तो फिर उनको अच्छा लगता है, अगर लोग उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते तो वो प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव हो जाते हैं। इन नटशेल, हाईली इफेक्टिव पीपल हमेशा प्रोएक्टिव होते हैं, आसपास के फिजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट का उनके एटीट्यूड और परफॉर्मेंस के ऊपर कभी भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो ऑलवेज बी प्रोएक्टिव। हैबिट नंबर 2, बिगिन विथ एंड इन माइंड। टू बिगिन विथ एंड इन माइंड मीन्स टू स्टार्ट विथ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर डेस्टिनेशन। इट मीन्स टू क्लियरली नो कि आप कहाँ जा रहे हो और अभी आप कहाँ पे हो, जिससे कि फ्यूचर में आप राइट डायरेक्शन में जा सको। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप कितना भी कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करोगे तो भी उसमें इफेक्टिवनेस नहीं होगा और आप कभी भी आपके डेस्टिनेशन के पास नहीं पहुंचोगे। ऑथर कहते हैं टू बिगेन विथ एंड इन माइंड इज बेस्ट ऑन प्रिंसिपल ऑफ ऑल थिंग्स क्रिएटेड ट्वाइस। कोई भी चीज बनाने से पहले या करने से पहले वो आपके दिमाग में पहले आती है, उसको हम मेंटल क्रिएशन कहते हैं। उसके बाद आता है फिजिकल क्रिएशन जिसको हम बाद में एक्चुअल में क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपको आपके नए घर का कंस्ट्रक्शन करना होता है तो डायरेक्टली आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं करते हो, पहले तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपके दिमाग में होता है, फिर आप आर्किटेक्ट के पास जाके उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते हो, फिर एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन करते हो। सो ऑलवेज टू बिगिन विथ एंड इन माइंड। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट मीन्स जो भी आपके शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल है उसे पूरा करने के लिए जो भी आज इम्पोर्टेंट चीज है उसे सबसे पहले कंप्लीट करना, एवरीथिंग एज इज सेकेंडरी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे दो दोस्त है, उनको IAS बनने का था, लेकिन पहला जो दोस्त था वो सवेरे उठता था, लाइब्रेरी जाता था, पढ़ाई करता था, पूरे दिन का जो टारगेट था उसका पढ़ाई का वो कंप्लीट करता था, और फिर घर पे आने के बाद सोशल मीडिया, दोस्तों के साथ घूमना, मूवीज वगैरह देखना, ये सब चीजें करता था। लेकिन जो दूसरा दोस्त था वो हमेशा पहले सोशल मीडिया, दोस्तों के साथ घूमना, मूवीज वगैरह देखना और टाइम मिला तो पढ़ाई करता था। उसका रिजल्ट ये हो गया कि जो पहला वाला दोस्त है वो IAS बन चुका है और दूसरा वाला जो दोस्त है वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है और उसने IAS की पढ़ाई छोड़ दी है। सो ऑलवेज पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सो इन द एंड, व्हाट आर द हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल? नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। नंबर 2, टू बिगिन विद एंड इन माइंड। नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।